बस मत मुझे थैंक्स बोल, तेरी लाइफ बचा दी मैंने। लड़की और बस एक जाती है तो दूसरी आती है। सुना सुना सा है मौसम, ओझल सी शाम है, तन्हा तन्हा सा हर रास्ता, तन्हा मकाम है। गुमसुम सी लगती है, आई है जो हवा है, चुपके चुपके सबसे चुपके रुकता है आसमां है। बेजान धड़कन मेरी आंखों में है दुआ, जिसे जुदा हुआ तो आज खुद से जुदा हुआ। याद तेरी आए, जान धड़कन मेरी जाए, जान भी न जाए, जुदा हुआ तो आज दिमाग तो मेरा खराब होता है तुझसे बात करके। आज के बाद तुझसे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। तू क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी और तू भी अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लियो। गुड बाय। तुझे क्या लगता है कि तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है? तेरे बिना मेरे क्या काम नहीं होंगे? बड़ी आई मेरी जिंदगी रुकाने वाली। पहले तूने कहा था, अब मैं कह रहा हूं, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। किसने सोचा था ऐसा? और तेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, समझी? और खुद को भूल गई, तेरी जिंदगी रुक जाती है मेरे बिना। एक प्रॉब्लम तो तू अकेले सॉल्व नहीं कर सकती। आइए बड़ी बातें करने। बेचैनी है, बेताबी है, दिल है बुझा बुझा, मारा मारा दीवानों सानों सा, यहाँ वहाँ वहाँ, सांसें रुकी रुकी मेरी, खामोश है सदा, तुझसे जुदा हुआ तो आज खुद से जुदा हुआ। याद तेरी आए, जाए जान भी न जाए, एक पल में क्या से क्या हुआ, जादू सा क्या चला, तुझसे जुदा हुआ तो आज खुद से जुदा हुआ। तुझसे किन्ना भी सिखा तो पैन जी, पर मेरे से ऐसा स्वाद वाला अचार कभी नहीं बनता। आपके तो हाथों में ही जायका है पैन जी, और वैसे भी मेरे कुल को तो आपके ही हाथ वाला अचार अच्छा लगता है। चल बिंदु उठा, इन उठा उठा उठा। ओए बनेगा बिंदु बनेगा, वैसे भी अचार में मसालों से ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। ला मेनू दे। और बहन जी क्या करूं, एक सब्र ही तो नहीं है मेरे पास। की होया बहन जी, की होया? बहन जी वो डिम्पी के साथ ये मुंडा कौन था? पता नहीं, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। बहन जी पता नहीं तो पता कीजिए कि ये मुंडा कौन था। मोहल्ले में बातें फैलते देर नहीं लगती बहन जी, कहीं किसी ने देख लिया होगा तो। को पता है बहन जी, चंडीगढ़ में हमारी पड़ोस में एक ऐसी ही लड़की एक दिन किसी मुंडे के साथ फुर्र करती हुई बाइक पे आई। किसी किसी बातें हुई थी उन दोनों के बारे में, सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं बहन जी। बहन जी पुराना मानो तो एक बात कहूं, वो कहीं अपनी डिम्पी का उस मुंडे के साथ कुछ। ओ बहन जी, मम्मा क्या है आप बताओ? क्यों मम्मी एथिया क्या है? ओ बताना मुझे नहीं, तुझे है क्या है सब?
किसकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर तू आज घर आई है? मामा वो मेरा कलीग है जोसेफ डिकोस्टा। हाय रब्बा डिकोस्टा, और तुझे फिरंगी मिला था? नहीं नहीं मामा, फिरंगी नहीं है वो इंडियन है। ये सब तेरे पापा की गलती है। अरे ठीक टाइम पर शादी करा देती होती ना तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। तो मोहल्ले वाले क्या सोचते होगे डिम्पी तुझे उस फिरंगी के साथ देखकर? ओफो मामा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, बस आप ही हो जो इतना सोच रहे हो। अरे लोगों की सुनने से पहले अपनी बेटी की तो सुन लो आप। मैं ऑफिस से निकल रही थी बस स्टॉप के लिए और तभी मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई, और गिरते हुए मुझे डिकोस्टा ने देख लिया। वो इंसान के नाते उसने मुझे लिफ्ट दे दी, तो क्या बुरा किया माँ? ओ कहाँ लगी तुझे, दस ना मेनू, दिखा ना मेनू। नहीं नहीं मामा, बस हल्की सी करो जब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। पुत्र तुम बाहर नहीं बोल सकती थी? आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बस खींच कर लेके आई आप मुझे। डिम्पी पुत्र रखें, एथिया एथिया, वो चोट लगी थी तो हमें फोन कर सकती थी ना, दिखा मेनू। हाय रब्बा किन्नी लग गई है डिम्पी। ठहर ला डिम्पू। बहन डिम्पू तू भी ना कुछ नहीं दस दी मैनू, इतनी देर हो गई है फिर भी कुछ नहीं दसया। मम्मा हल्की सी खरोंच है और उसके लिए आप सबको फोन करके परेशान क्यों करती? मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं। हाँ पता है मैनू, तू अब बच्ची नहीं रही, और जब तेरी शादी हो जाएगी ना और तू माँ बन जाएगी तब तुझसे पूछूंगी कितनी फिक्र होती है बच्चों की। मम्मा घूम फिर के आपकी बात बस शादी पर ही आ जाती है ना, मुझे नहीं करनी अभी शादी। कुछ ना बोल, मैं तेरी शादी करा के रहूंगी, बहुत हो गया ऑफिस ऑफिस, अब घर घर भी खेलना डिम्पू है। अब मैं तुझे तेरे घर भेज कर ही रहूंगी डिम्पी। ओहो मामा, पहले मेघा की तो शादी हो जाने दो। ओए कुछ सीख उस मेघा से, तेरे से 2 साल छोटी है और उसकी शादी हो रही है तू अभी तक। ओहो मामा रिलैक्स करो, मेघा की शादी हो रही है ना तो मेरी भी हो जाएगी, और वैसे भी कोई खास नकरी या फिर डिमांड्स थोड़ी ना है मेरी। जिस दिन दिल किया दिल को कोई जचा तो कर लूंगी शादी, उसमें क्या है। सच बिंदु, कोई पसंद आएगा तो कर लेगी शादी। हाँ मामा नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल सी पसंद है, कोई हाई फाई थोड़ी ना है। हाय जिंदी रहे पुत्र, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर देता। हाय औसम यार, क्या बात है, तुम इतना घूर क्यों रहे हो? इतने सालों में पहली बार तुम हमारे पास आया है, इसलिए सबके सब शॉक्ड है, वरना तुझे गिनने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अरे कैसी बातें कर रहा है यार, तुम भी तो मेरे दोस्त हो और दोस्ती के लिए तो ध्रुव के पास टाइम ही टाइम है, है? मैं बैठ जाऊं यहाँ पे। अरे थैंक्स यार। कितना चीपड़ है ये, कैसे सबसे चेप हो रहा है, जबरदस्ती दोस्त बना रहा है और मैं यहाँ वेले बैठे उसे देख रही हूँ। हाय गाइस। हाय 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 हाय। अरे सिट, थैंक यू। Hi, I'm Dhruv. Laila Minhas. Hey Dhruv, ये कुड़ी तो बहुत हॉट है यार। हाँ यार, देख आज जल गया। यार मुझे भी लड़की पटाना सिखा देना यार। पहले मैं तो पटा लूँ। Hey guys, basketball match के लिए क्या तुम लोग ready हो? Basketball match? अरे यार बास्केटबॉल तो मुझे भी खिलाओ यार। Come on guys, give him a chance. ध्रुव काफी एथलेटिक भी लग रहा है और कॉन्फिडेंट भी। I'm sure वो तुम्हें जरूर जितवा देगा। आज शाम को क्या कर रहे हो ध्रुव? आज शाम को? बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट होने के लिए ट्रीट नहीं दोगे? कॉफी 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 कॉफी। ओके डन। ओके डन देन। ये इतनी हॉट है कि इसने गिन्नी को भी जला डाला। सही है यार।